बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ते की हाल चाल है जी तुहाडे सब दा। ते अज मैं बना रही हाँ दाल माश ढाबा स्टाइल दे विच, ते तुसी देखो कि ये किस तरह बनती है। इहदे वास्ते मेरे कोल 1 टीस्पून जीरा वे और 4 तो 5 अदद मेरे कोल है ने सुकियां लाल मिर्चा। सब ना पहला असी ऑयल विच ऐ सुट देवांगे और जिहड़ी दाल माश वे इहदे विच प्याज दा इस्तेमाल नहीं हुंदा, कई लोग करदे भी ने। बहरहाल हर किसी का बनाने का एक अपना ही स्टाइल है, मगर मैं हमेशा इस तरह ही बनानी हाँ। असी ये प्याज कट के पहला ब्राउन नहीं करी दे, मसाला यदा प्याजा का नहीं बनाएगा। तो 1 टेबल स्पून भर के मेरे को लहसुन अदरक का पेस्ट असी पा लवेंगे। एक अदद टमाटर है मेरे को बड़े साइज का, और मैं ये पिसिया लाल मिर्चा नहीं पा रही। असी 1 टीस्पून पा रहे हैं क्रश्ड चिली। मैं 1.5 टीस्पून क्रश्ड चिली पा रही हूँ। दाल मेरे को 1 पाओगे, 1/2 टीस्पून नमक का जाएगा और 1/2 टीस्पून ही ये जा रही है हल्दी। हल्का जहा छट्टा लगावे हम असी ये पा देंगे दाल माश। हूँ असं पावे पानी, तो मैं इन्हें 5 मिनट वास्ते लगावगी प्रेशर। दाल मैं रात की भिगोई हुई है। यह देखो जी दाल साड़ी जी गल गई है, थोड़ा सारा पानी है और मैं इनू अच्छी तरह हूँ जरा भुन लवानी। तो यह जी साढ़े को इस तरह कटिया हुआ वे टमाटर प्याज अदरक सब्ज़ धनिया, तो नाल ये असी ये पाई हुई है कट के सब्ज़ मिर्च भी। तो हूँ सारा मसाला असी पा देवे दाल के करांगे इसे अच्छी तरह मिक्स। असी इहदे ते पा रहे हैं पीसिया हुआ गरम मसाला, ते पास ते असी दाल नूं लगावांगे दम ते। सिदरा बना रही है जी रोटी दाल दे नाल।
ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਢਾਬਾ ਸਟਾਈਲ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਦਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਰੋਟੀਆਂ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੈਸਿਪੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਲੌਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵਾਚ ਕਰੋ ਔਰ ਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਵਾਂਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।